तो आज है डे 6 और ये सुबह सुबह जब मैं सहरी बनाने किचन में आई तो मैंने देखा कि किचन बहुत साफ़ है। तो चमन जो हमेशा कहती हम कहते हैं कि उसने कुछ नहीं किया, तो आज उसने किचन साफ़ किया हुआ था, बर्तन शर्तन धो के और शेल्फ़ भी अच्छी तरह से साफ़ की हुई थी, सेट की हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो में दिखा देती हूँ, कभी ज़िंदगी में ये वीडियो देखेगी तो इसको ख़ुद भी याद आ जाएगा कि अपनी 20 साल ज़िंदगी में एक बार इसने किचन धो के साफ़ किया था। और हमने बहुत गुस्से क्योंकि उसको आटा गूंदना पड़ रहा है और इस टाइम मुझे भी पड़ जानी है। वो कह रही है कि मुझे मत डालो, लेकिन मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरी बहन बहुत सुघर है। और मैं बना रही हूँ संजी के लिए आलू की भुजिया। इस वक्त नॉन स्टिक पैन फ्री नहीं थे, तो जो फ्री था मैंने सोचा इसकी मैं बना लेती हूँ। आटा जो है वो गूंद गया। तो पिछले सारे दिन में आपको व्लॉग में लिट लाइफ दिखाई जाती है, एंड मैंने सोचा कि आपको वो लाइफ भी दिखाते हैं, लाइक बीइंग लिविंग इन अ विलेज। तो हम लोग किस तरह काम करते हैं, ऑब्वियसली मैं तो ये काम नहीं करती, बट मेरे पापा अलॉन्ग विद आर हेल्पर्स। तो रोज़ा जो है सिर्फ घर पे रहकर नहीं गुजरता, और भी मेहनत के काम हैं जो करने पड़ते हैं। और ऑब्वियसली हम भी यहाँ पर आते हैं इफ़ वी नीड टू डू समथिंग और कुछ भी, और उसके बाद हम अपनी जॉब्स भी करते हैं ऑनलाइन। सो लाइफ इज़ नॉट ईजी। जो हमने चुबानी गया था, लेकिन अभी हमने इसका प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि ये भी इतना बड़ा नहीं हुआ। इस वक्त आई थिंक दोपहर के 4 बज रहे हैं और लोगों की गंदम पक चुकी है, इधर कटाई शुरू हुई हुई है। ये तो है मेरे पापा के कजन्स की है, हम लोगों ने तो पकाई नहीं, हमने अपनी भैंसों को डाल दी। और हम गंदम खरीद लेंगे इस बार क्योंकि हमारी माशाल्लाह भैंसें ज़्यादा हैं, तो हमें उनका चारा अरेंज करना होता है। देखें ये मौसम कितना अच्छा है और बहुत अच्छी हवा चल रही है। और मैं इस वक्त यहाँ पर अपने ट्यूबवेल में खड़ी हूँ, ये देखें, और बस इसी तरह जो रियल रमज़ान के दिन हैं वो इस तरह गुजरते हैं। गाय भी बड़ी एथलीटिक है।
शहर बनो ए होंगी असल जाच पुत्र आहो सड़ गई है। अभी मैं जा रही हूँ अपनी हवेली से घर और बहुत गर्मी है इस वक्त बाहर। एक्चुअली थोड़ी धूप तेज़ है अदरवाइज इट्स फाइन बिकॉज आई हैव अ क्लास एट 5 एंड इट विल फिनिश एट 6:30 एंड आई थिंक 6:33 वी नीड टू डू इफ्तार। सो दिस इज हाउ लाइफ इज। सो हियर आई एम हैविंग माय क्लास एंड साथ ही किंजा बना रही है कुछ मूंग दाल के पकोड़े भी बना रही है और कुछ पता नहीं क्या बना रही है। मेरी तो आज क्लास 6:30 पे ख़त्म होनी है और 6:33 पे रोज़ा खुलेगा। आज हम लोगों ने सिंपल वाले पकोड़े बनाए हैं जस्ट काइंड ऑफ फ्राइज एंड वी हैव फ्रेश फ्रूट्स और ये हमने लोबिया और चने की चाट बनाई है एंड ट्रस्ट मी ये बहुत मज़े की होती है। और ये मूंग की दाल के कबाब हैं। दिस सैलेड इज़ फॉर मी और एक और चीज़ है पोटैटो बॉल्स वो किंजा ने बनाए हैं। ये यहाँ पे बना रही है ये भी किंजा ने रेसिपी ट्राई की है। और अभी हमने इफ्तार करके नमाज पढ़ी। आई एम हैविंग माई ग्रीन टी और शहरबानो इज हैविंग रेस्ट और मैं आपको दिखाती हूँ भाई मेरे पापा ताना बाना देख रहे हैं। तो अभी का व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ यहीं पे और आपसे मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय अल्लाह हाफिज़।